हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लाइफ इन अ सिटी। तो आज बहुत थक गया हूँ मैं। अभी फिलहाल मैं बहुत चल के आया हूँ मेट्रो के लिए। तो आज मैं जा रहा हूँ करजत ऑफिस बॉयज के साथ। सो वहाँ जाके बहुत काम है भाई, पूरा बारबेक्यू वगैरह सब करना है। तो ट्रेन आ गई है, तो चलो लेट्स गो। आपको मिलता हूँ मैं, मेरा फ्रेंड मुझे मिलेगा घाट कोपर पे। सो उससे मिल के फिर गाड़ी में जाऊँगा। एटलीस्ट वहाँ थोड़ी शांति मिलेगी यार। हाँ, अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ। देखो ये आ गई मेट्रो मेरी, और मैं अभी अंदर करूँगा प्रवेश, यानी कि एंटर। चलो लेट्स गो इनसाइड। देखो क्या बारिश है, और ये रहा हमारा ओला का ड्राइवर। जय राम जी की। जय राम भैया जी। राम राम। अरे आप वही भैया जी है ना, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। ये अभी हमें जाना है बहुत दूर, 1 घंटा 56 मिनट दिखा रहा है यार। क्या है भाई, वड़ा पाव खाने का भी मजा ही अलग है बारिश के अंदर। चीयर्स टू वड़ा पाव। चीयर्स अभिजीत। ये देखो अभिजीत भी बैठा हमारे पीछे, बेचारा बारिश में जाके हमारे लिए वड़ा पाव लेके आया है। थैंक यू अभिजीत, भगवान तुझे। और भी चीज लाया? अच्छा ये अंगूर का जूस लाया होगा। सही है सही है, वेरी गुड। कुछ नहीं दिख रहा है बाहर, एकदम जबरदस्त बारिश हो रही है। अरे भाई क्या बारिश हो रही है यार। उठा रहा है। अरे बाप रे, बहुत बड़ा पेड़ था ये तो, इतना बड़ा, एक हाथ से उठा लिया इसने। क्या बात। देखो भाई हम लोग आए हैं ग्रे फार्म्स करजत में। ये ऐसा कुछ दिखता है और अच्छा खासा बड़ा है। ये सामने जो है ना अंकल बैठे, ये किचन एरिया है इनका, और हमने अभी चिकन बोला था। बहुत बढ़िया शॉट मारा है, देखो बॉल लेके आता हूँ। देखो भाई हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हमारा पूल है, यहाँ पे क्रिकेट चालू है। और ये देखो अर्जुन को, और इसी के साथ आउट 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 है, डायरेक्ट गया, आउट है आउट है। चल चलो भाई मेरी बैटिंग आ गई, जाता हूँ मैं। ए सी मैं टच नहीं करेगा वो, बिल्कुल नहीं खेल रहा। वाइड ए मेरा रन है बैट। कितना मारो यार अर्जुन को, खेलने दो। अरे वनडी 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 कुछ और वाइड लगा है, टच हुआ। हां वनडी है वनडी है। कम ऑन सुभाष, जग स्कोर है 21। सिक्स मार मारा ये। वो बॉल दबा रहा ऐसा लग रहा है ना। आ गया, रेकॉर्ड रेकॉर्ड हो गया वो। ऐसा ऐसा उंगली का तुम वो मसाला डाल लिया ना। योजी योजी तेरे तेरे मन में किसका बॉल आ रहा है अभी? हड्डियों वाला बॉल। फाउंटेन चालू कर। ये देखे 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 ये लड़कियों वाले गेम खेल रहे हैं। ये लड़कियों वाले गेम चालू है इनके। चलो चलो चलो। हाँ चलो। अरे तू पीछे रह। मैं रेफरी हूँ, मैं रेफरी हूँ। चलो ये रेफरी है। हाँ ये गीला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं नीचे से लेता हूँ सबको। आ जा ना। रुको मैं तुम्हें सबको नीचे से एक व्यू दिखाता हूँ, रुक जाओ पहले। चलो चलो अभी अभी चल चल दे सर्विस दे। अरे वो हाथ लाइन में रुक गया। अरे वो हाथ लाइन ट्राई करते हैं। मैं भी जाऊंगा मतलब तेरे तरह
ओने। अरे देखो वेल 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 आई, वेल आई। और ये तो हर्ष का ऐसा होना कर दो, नीचे से ऐसा वो निकल। चल चल स्टार्ट हमारा रात हो गई है तो हमारा चालू है बारबेक्यू। ये देखो एक नंबर, क्या बात है। सो ये हमारे लगे हैं मशरूम्स, ये हमारा चिकन, मशरूम्स इधर है भाई। जबरदस्त स्मेल आ रही है। अगर आपको खाना है किसी को तो भाई आओ और बताओ, कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है मामला। मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार, एक नंबर है। देखो भाई ये लेके जाना है, हाँ ये लेके जाना है भाई अभी तो। देख गर्म है, गर्म भाई। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो दिलेर निकालो भाई आराम से, ये भी उठा ले, मस्त है। क्या गंदे लोग है रे, दारू पीते इधर बैठ के। अच्छी मैनरलेस बॉयज देखो, हाँ ये जो बैठे ना सब बेकार लोग है, दारू पीते हैं। और भाई इंडिया बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप का मैच चालू है भाई। पचास होएगा हार्दिक का, लेट्स सी। ए वाइड बॉल है। क्या बात है, 500, क्या बात है 500। चलो सिक्स है भाई, ये हार्दिक पांडे कैच देगा, कैच कैच। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है, एक नंबर। 50 हो गए, 200 आउट है गया, एक नंबर। बॉल पे आगे भाई, नीरज बॉल के नीचे बैट। नाम है क्या, शिव शास्त्री अपने जमाने में बॉलर था, बाल बताया था। बालबुआ मौसी फूफा बोला ना, कौन सा मूवी, बाल शास्त्री बैलबोआ, बाल शाहरे भाई साहब क्या गजब मूवी दिया रे। बताओ तुमको ये क्या चल रहा है, तू चुप कर, हट तेरी बातें बोलना। ये कौन सी मूवी है, सत्य गंगा देवी शक्ति वाले बातें। हो गया सर, आपके बिना कोई गेस्ट नहीं कर सकता। फुटबॉल सर्कल का हिंदी, दायरा सत्य, फुटबॉल सॉकर, सत्य गेंद वाद, सत्यवान साउंड्स लाइक। टाइम हमारी मर्जी से आप होगा, तुम्हारी नहीं, ये तो मानता हूँ। बच्चा माँ का, माँ फर्स्ट वर्ड का, सेकेंड साकिना का, सत्यवादी वो तीन पार्ट में किए, साकिना दूसरा पार्ट, छोड़ो सो कितना पार्ट, माँ ठीक है। सत्यवादी तो हो गया भाई, सुट्टा मारना, छी 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 माँ, सुनने में क्या आ रहा है, सीमा सत्यवादी, एकदम सत्यवादी, श्रीमा श्रीमान सत्यवादी, मैंने बताया ये रिकॉर्डिंग करेगा ये श्रीमान सत्यवादी बताया। तो भाई देखो
ये है ग्रे बांध, ये नेरल में आता है, करजत में नहीं है, और प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, नो डाउट, अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर्टी है, बट देन पूल बहुत छोटा है, और खाना भी अच्छा था शाम का, अभी का ब्रेकफास्ट ओके था, मिसल एंड भुर्जी, तो उतना ग्रेट नहीं था, बट हाँ लोकेशन वाइज बारिश नहीं हुई यार, सबसे बड़ी बात तो ये है। बट देन मैं आपको बेबी एक पूरा इसका बंगलों का एक टूर देता हूँ, तो अगर आपको, हमने ऑनलाइन ही ढूंढ के इसको बुक किया था, तो आप लोग, मैं देखता हूँ अगर मुझे इसका कॉन्टैक्ट मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो फिलहाल आई शो यू कि कैसा है ये पूरा प्रॉपर्टी। तो जैसे ये जो दिख रहा है अभी, ऐसा एक एरिया है इसका, ये बैक साइड का एरिया है, और क्या है, बस यहाँ एक हैमॉक डाल के बैठा है, हमने तो इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया यार। उधर एक झूला है, बाकी आई डोंट नो ये क्या है, इस पर क्या कर सकते हैं यार, ये क्यों लगाया पता नहीं, और वो एक बार है, बार भी हमने यूज़ नहीं किया, हम लोग अपना अंदर ही सेटअप मार के बैठ गए, ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। ये देखो आप अपनी दारू ला के यहाँ सेट कर सकते हो, सब एम्प्टी बॉटल्स है फिलहाल, और ये एक सिटिंग एरिया, इधर बैठ सकते हो आप, ऊपर चढ़ के बैठ सकते हो, और एक ऐसा कबाना टाइप यहाँ पे बनाया है इन्होंने, इसमें मच्छरदानी लगाई है, और ये पूल एरिया। सो पूल ओके, डिसेंट, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा एक स्टैंडर्ड है पूल का, तो उतना ज़्यादा है वो नहीं है। तो हम लोग एज अ लाइक, हम लोग 14 लोग हैं, तो कॉस्टिंग वॉस्टिंग भी इसका थोड़ा है, मुझे तो एक्सपेंसिव लगा। ये देखो ये है द ग्रे बान, सो इसने अपना नाम जो दिया ना ग्रे बान, इसने एक्चुअली ग्रे एंड वाइट पूरा थीम रखा है, हर चीज़ यहाँ पे ग्रे और वाइट की थीम में। वो एरिया आपका पार्किंग का, पार्किंग का एरिया में चलते हैं, चलो। तो ये है अपना पार्किंग एरिया, अच्छा खासा पार्किंग एरिया है, सो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, हम लोग की गाड़ियाँ इधर ही पार्क है, और ये इनका किचन एरिया है, यहीं से सारा खाना बन के आएगा, यहीं से आपको सारा खाना मिलेगा, तो विच इज़ गुड। बट देन हाँ, कभी आई थिंक सुबह शाम अलग अलग कुक रहते तो थोड़ा डिफरेंट होता है खाना का टेस्ट। अब मैं जाता हूँ अंदर, अंदर यहाँ से शुरू करता हूँ, इधर यहाँ से किचन एरिया खुला है, हाँ खुला है, तो ये किचन एरिया है, गैस चलता है यहाँ पे, हमारा सामान पड़ा है, से ओवन, आओ मस्त है। ये देखो भाई, ये है हमारा रूम, रूम भी डिसेंट ओके, छोटा ही है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मैं ऑन करता हूँ, तो ये सब जैसे कि वाइट एंड ग्रे थीम, ये हमारा पूरा ऑफकोर्स यूज़ किया तो मेस्ट अप है पूरा। एसी नहीं चल रहे थे, चार रूम है, किसी भी रूम में नहीं चल रहा था, एक्सेप्ट एक हॉल में चला है बस, और कहीं नहीं चला है एसी, ठीक है। बाथरूम भी ओके है, तो बाथरूम कुछ ऐसा है, अच्छा बाथरूम है, नाइस डिसेंट, ऐसे ही ये रूम एक है, तो ये भी अगेन एसी नहीं चल रहा है। हेलो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइफ इन अ सिटी। यो, तो बेड बहुत छोटा है, वो अगर कोई मोटा आदमी आपके साथ है तो एक ही जना सो पाएगा, दो जनों के लिए बहुत मुश्किल है। बाकी ये भी एक और बाथरूम है, तो ये तो सिंपल नॉर्मल है। अब दो रूम्स ऊपर है, चलो आपको मैं ऊपर लेके चलता हूँ, चलो ये जाने का, ऊपर जाने का रास्ता है, ये स्टेयर्स, चलते हैं। तो भाई मतलब मोटा मोटा 30-32 हज़ार रुपये अगर आप दे रहे हो ना यहाँ पे तो फाइन है, 45 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, विथ फूड है दो, तो आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिल रहा है, हाई टी वगैरह सब है, बट देन स्टिल थोड़ा ओवर एक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, गीज़र नहीं चल रहा है, एसी नहीं चला, गीज़र नहीं चल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अब इतना पैसा दे रहा आदमी तो यार एक्सपेक्ट करता ना यार सब चीज़ें मिले। तो एनीवेज चलो मैं आपको बाकी के ऊपर के दो रूम दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पर है, ये एक रूम है, सो ये इसका ऐसा सेटअप है, ये बेड
ये अगेन एसी यहाँ पे भी है, ये इसका यहाँ से बाहर से ये विंडो ओपन है तो बाहर से ऐसा कुछ दिखता है। ये पूरा बाग है यहाँ देखिए, पूरा यहाँ पे ना पीछे एकदम आइसोलेटेड है, ऐसा नहीं कि आसपास बहुत कुछ है। ये इसका शावर एरिया है। तो भैया आई थिंक मोर ऑर लेस ऐसा ही कुछ है। तो आई थिंक ये वाला एक रूम है शायद, इसमें एक बाथ टब है जो कि अगेन वो भी शायद मेंटेन नहीं है। तो ये चौथा रूम है, दिस इज द फोर्थ रूम। ग्रे वन अगेन, एसी सेम इशू। अल्ला इतना ग्रे वाइट थीम है इनका, और टब रखा है इन्होंने पिंक कलर का। क्या यार, मतलब पूरा थीम पूरे घर में चद्दर फैन सब ग्रे है और टब रख दिया पिंक। ये क्या यार, क्या मतलब ये देखो ना यार, क्या ही यूज करेगा आदमी इसको अभी। जी यार, तो भाई प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल लाइफ इन अ सिटी। सो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस आपके सामने आएंगे जल्दी। तो होप आपको ये हमारा एक आउटिंग का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो आई थॉट कि चलो यार अब बाहर आए हैं मजे ले रहे हैं, तो क्यों ना आप लोगों को भी ये रिजॉर्ट सॉरी विला दिखा दिया जाए। सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर आप बुक करने आ रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए ये कैसी जगह है। सो यार, सो ऊपर से दिखाओ क्या कैसा दिखता है। ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है ये पूरा व्यू, ये देखो ये पूरा ऐसा एक ऊपर से व्यू है। अच्छा है, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जगह अच्छी है नो डाउट, एकदम अच्छी। बारिश में आओगे ना तो मस्त मौसम हो जाता है, आसपास कुछ है नहीं, शांति है एकदम। तो भाई चलो अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और आशा करते हैं कि आप प्लीज़ अपना सपोर्ट हमें बनाए रखेंगे। तो विद दिस विल टेक लीव। जय श्री राम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। You don't wanna tell me now, I guess I've never known.